मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल जो है जिसमें हम मनोरुग्ण को और व्यसनी जो है नशा वाले लोग जो है उनको हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रखते हैं, और दूसरा एक हॉस्पिटल है कि जहाँ हम बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं। हमारे पास में काफी सारे मेंटल पेशेंट्स जो आते हैं उसके बारे में एक मैनियक की जो बीमारी है, तो वो बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैनिया को हर्षवायु भी बोलते हैं, मैनिया ऐसा भी उसको बोला जाता है, या मूड डिसऑर्डर का एक प्रकार है। 7 लक्षण उसके मेन हैं, और 7 लक्षण में से यदि 3 लक्षण 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक दिखाई देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो मैनिया है, मैनिया नाम की बीमारी है। वे कौन से लक्षण है? तो नंबर 1 है टॉकेटिवनेस। टॉकेटिवनेस मतलब बहुत ज्यादा बोलना, यह कि बहुत ज्यादा बातें करता है और उसके बातों में बहुत प्रेशर रहता है, जैसे उसको बोलते प्रेशर ऑफ स्पीच, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा जोर से बोलता है, फास्ट बोलता है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव बोलता है, बहुत ही ज्यादा बोलता है। इतना ज्यादा बोलेगा कि अपने को उसको रुकाना पड़ता है कि रुक जा, बहुत हो गया बोलना तेरा, कंटिन्यूस बोलते रहे। फिर दूसरा लक्षण है नींद खराब। ते लोगों में पेशेंट में नींद नहीं आती इनको, और इसके खास लक्षण है कि 2 या 3 घंटे ही लोग ये सोते हैं और या उससे भी कम, और उसके बावजूद भी ये बहुत फ्रेश दिखाई देते हैं। जरूरी कहते हैं 2-3 घंटे सिर्फ नींद हो गई तो आंखों के ऊपर नींद आती है, आलस दिखता है, ये बहुत ही फ्रेश दिखाई देते हैं, उनका चेहरा फ्रेश दिखाई देता है और उनको लगता है कि भाई बिल्कुल ये फ्रेश उठ के आया कैसा लगता है। फिर तीसरा लक्षण है इसमें ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब बहुत बड़ा, ऐसा बहुत बड़ा आदमी खुद को समझता है, सोचता है कि मैं आमदार हूँ या मैं खासदार हूँ या उसका इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास में बहुत पावर है, और उसको बहुत खुशी रहती है, उसमें बहुत खुश रहता है वो, इतना खुश रहता है वो, और बहुत ग्रैंडियोसिटी रहती है उसकी, ग्रैंडियोस आइडिया उसके, बहुत जो कल्पना शक्ति वो भी बहुत बड़े 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 विचारों की रहती है। नंबर 4 जो है वो डिस्ट्रैक्टिविटी। डिस्ट्रैक्ट होना इसका मतलब कोई भी काम पूरा ना करना, मतलब ये काम से वो काम, वो काम से वो काम, वो काम से वो काम, एक जगह बैठेगा नहीं, एक कोई भी काम पूरा करेगा नहीं, एक बात चल रही है उसके ऊपर भी वो पूरा फोकस नहीं करेगा, वो बात से मतलब और कोई बात करना चालू करेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका अटेंशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे रहता नहीं। फिर 5वां जो है वो इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज। इसका मतलब जो खुशी देने वाली जो एक्टिविटीज है इसमें बहुत ही उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ऐसा समझ रखा ना, आदमी बहुत कंजूस है तो बहुत दान धर्म करना चालू करेगा, कार खरीद लेगा, कार होगी तो बहुत महंगी बड़ी कार लेके आएगा, या बहुत ज्यादा खर्चा करेगा, लोगों को पार्टी देगा, ज्यादा स्मोकिंग करना चालू करेगा, शराब पीना चालू करेगा और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करेगा। ये लोग बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, मतलब ऐसा है कि ये कभी जाके बहुत बड़ा माल खरीद लेंगे, बहुत बड़ा सौदा कर लेंगे और उसमें उनको बहुत मजा आती है और उनको लगता है कि अपन ये फटाफट कर लेंगे तो पैसे दे देंगे। फिर घर वालों को बहुत दिक्कत आती है कि अभी ये पैसे कैसे चुकाना। नेक्स्ट जो है वो है इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब इनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा एक्टिविटी करते हो और इतनी मतलब इतना काम कि जो है मतलब इतना ओवर एक्टिव रहते हो और ये सब होने के बावजूद वो थकते नहीं, कोई थकान दिखती नहीं इनके चेहरे के ऊपर, बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा इधर से उधर जाना और बिल्कुल थकान आपको दिखेंगे। तो ये 6वां। फिर 7वां जो है वो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब ये है कि उनके आइडिया जो है ना वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक बोलेंगे फिर वहां से दूसरा शब्द बोलेंगे, दूसरा सेंटेंस बोलेंगे, वहां से चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसा एक जगह से दूसरा, दूसरी, तीसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऐसा चल रहेगा उनका, ऐसा वो अभी चल रहा है, ऐसी बात बोलेंगे वो कि मैं नरेंद्र मोदी साहब से कल ही बात मिला था, वैसे नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जो मुख्यमंत्री है फडणवीस इनके साथ में बहुत ही बार मिलते रहते हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे होते हैं मगर अभी हमारा जो मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा है। अच्छा मंत्री तो बहुत होते हैं मगर हमारा जो मंत्री है हमारे गाँव का, हमारे शहर का जो पालक मंत्री है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा आमदार बन सकता है मगर आमदार तो ऐसा है कि आमदार तो वो इलेक्शन के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं मगर कुछ ही लोग चुन के आते, क्योंकि अच्छे लोग चुन के नहीं आते,
और उसमें भी बहुत बुरे लोग चुन के आते क्योंकि चुनना जो है वो लोगों के हाथ में है। मतलब ऐसा कंटिन्यूस वो कहाँ के कहाँ एक तरीके का आइडिया एक जगह से लेकर दूसरी जगह ऐसा घुमाते जाएंगे और फ्लाइट मतलब उड़ान होते जाएंगे एक विषय से लेकर दूसरे विषय तक ऐसा होता जाता और उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज रहती। ये जो है ये यूजली मैनिया जो है इसमें ये लोगों के साथ में काम करने में अपने मजा आता है, इनके साथ में बात करने में मजा आता है और हम एंजॉय कर सकते हैं इनके साथ में बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब वो बहुत खुश रहते हैं, जोक्स काटते हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं, उनकी आइडियाज बहुत बड़ी बड़ी रहती है और उनको थोड़ा भी ऐसा कुछ टॉपिक दे दिया तो बड़ी बात करेंगे। तो साइकेट्रिस्ट करके या कोई भी व्यक्ति उनके बहुत मजा है कि वो तो लोग चिड़चिड़े होते हैं, मतलब उनको उनके मन जैसा किया नहीं तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको चिड़चिड़ापन आता है और उनके मन के खिलाफ उनको कोई किसने अपोज कर दिया तो वो मारपीट ही करेगा, ठोकेगा, बहुत वायलेंट हो जाएगा क्योंकि उनको चलता नहीं किसने किसी ने भी विरोध किया चलता नहीं। और फिर विरोध किसने करना नहीं, इनको जो लगता है वो हमने करना है और फिर जैसा मन चाहे वैसा करना है, घर के बाहर रहना है, पैसा ज़्यादा खर्चा करना, ये लोग सेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम फिर आ सकता है, अफेयर भी कर लेंगे, मतलब ऐसा इतना प्रॉब्लम रहता है कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। 3 से 6 महीने तक ये बीमारी चल सकती है, इसका इलाज यदि नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो फिर लोग मेरा अच्छा देखते नहीं है और लोग मेरा अच्छा चाहते नहीं है, हुआ तो फिर कुछ लोगों लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि लोग मेरा पीछा करें मेरे को मार डालेंगे, तो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते लोग। ये कभी लोग मैनिया जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब मैनिया होते 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 ऐसा हो जाता है एक स्टेज तो खराब हो फटाक से एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा या नैराश्य में चले जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, फिर वो अलग बीमारी खड़ी होती है। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, इसमें मेडिसिन अच्छे अच्छे मेडिसिन है कि जो मेडिसिन से ये जो मूड जो हाई हो गया है ये मूड हाई का नॉर्मल लेवल पे लाना संभव है। अच्छी मेडिसिन है कि मेडिसिन देने से 2-3 दिन में 4 दिन में मूड अच्छा लेवल पे आ सकता है, उनको सुलाना पड़ता है अच्छी नींद, उनका मूड स्टेबल करना, नींद अच्छी रहना, उनका खाना पीना देखना, ये समझे ऐसा किया पूरा तो ये जल्दी अच्छे हो जाते हैं। बहुत ही यदि वायलेंट है, बहुत अनकंट्रोल्ड है तो फिर कभी इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़ता है, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। यूजली ये लोग अच्छे हो जाते हैं और फिर अच्छा हो जाता है, इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना नॉर्मल मूड आता है कि अपने को पहचानने भी नहीं आएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम हुआ था। आपके आसपास में ऐसे कुछ काफी सारे लोग होंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, उनको मालूम नहीं होगा कि ये बीमारी है। हमारा जो मिशन है वो है हेल्दी इंडिया, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति भारत। आपका भी हाथ उसमें लगने दो, आपके आसपास में काफी लोग होंगे जिनको ये वीडियो से फायदा होगा तो जरूर ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।